स्वागत है कक्षा 12वीं कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व कृषि शंकाएं यानी एग्रीकल्चर की बात करूंगा। यहाँ पर पूर्णांक होंगे 70 और समय होगा 3 घंटों का। यहाँ पर ब्लूप्रिंट जो जारी किया गया है ये सत्र 2021-22 के लिए जारी किया गया है और यहाँ पर जो चुंबकत्व पहला हमारा यूनिट होगा इस यूनिट पर 4 अंक आवंटित किए गए हैं जिन पर 2 विकल्प और 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा। ऊष्मा पर 4 अंक आवंटित है जिस पर 4 विकल्प पूछे जाएंगे, अर्थात आपको ध्यान देना है कि इस ऊष्मा पर आपको विकल्प पर ही ध्यान देना है, 2, 3, 4, 5 अंक के यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए विकल्प तैयार करना होगा। विद्युत पर 4 अंक आवंटित है जिस पर 2 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे। कृषि मौसम विज्ञान पर 5 अंक आवंटित किए गए जिन पर 5 अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्बनिक रसायन की बात करें तो 3 अंक आवंटित है जिन पर 3 विकल्प पूछे आएंगे। हाइड्रोकार्बन पर 3 अंक आवंटित किए गए हैं जिन पर 3 अंकों का यहां पर देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बात करें किण्वन एल्कोहल एवं यूरिया, यहाँ पर 5 अंक आवंटित है इस यूनिट पर जिस पर 3 विकल्प और 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। प्रारंभिक जैव रसायन पर 5 अंक आवंटित किए गए हैं जिन पर 3 विकल्प होंगे और 2 अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पादप कारकी में 5 अंक आवंटित किए गए इस यूनिट पर जिसपे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 5 अंकों का। कुलों का अध्ययन पर 6 अंक आवंटित किए गए जिन पर 3 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूक्ष्म जैविकी पर 3 अंक आवंटित है जिन पर 3 विकल्प पूछे जाएंगे आपसे। अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन पर 4 अंक आवंटित किए गए जिन पर 2 विकल्प पूछे जाएंगे और 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। कृषि के कीट पर आते हैं अध्याय पर और यहाँ पर देखिए आप 3 अंक आवंटित है जिन पर 3 विकल्प पूछे जाएंगे। क्षेत्र मिति पर 5 अंक आवंटित है जिन पर 3 विकल्प और 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। कृषि सांख्यिकी भाग 1 पर 5 अंक है जिस पर 2 अंक का एक क्वेश्चन, 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा। कृषि सांख्यिकी भाग 2 पर 6 अंक आवंटित है जिस पर 2 विकल्प पूछे जाएंगे आपसे और 4 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। इस प्रकार यहाँ पर पहला जो पेपर होगा उसकी संरचना है, अंकों का आवंटन यहाँ पे हमने आपको बताया है। अब देखते हैं दूसरा, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र कृषि शंकाएं में पूर्णांक होंगे 70 और समय होगा यहाँ पर 3 घंटों का। अब देखते हैं इस पर जल निकास पर 4 अंक आवंटित है जिस पर 2 अंकों वाले 2 क्वेश्चन होंगे। पादप पोषण पर 3 अंक आवंटित है जिन पर 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा। खाद पर 3 अंक आवंटित है जिन पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 अंक का। उर्वरक पर 4 अंक आवंटित है जिस पर 2 विकल्प के रूप में और 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। पौध संरक्षण भाग 1 की बात करें हम तो यहाँ पर 3 अंक आवंटित किए गए हैं जिन पर 1 विकल्प होगा और 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। पौध संरक्षण भाग 2 पर 3 अंक आवंटित है जो 3 विकल्प के रूप में होंगे। फसलों की खेती भाग 1 पर 5 अंक आवंटित है जिस पर 5 अंक का एक क्वेश्चन होगा। फसलों की खेती भाग 2 पर 4 अंक आवंटित है जिस पर 2 विकल्प और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मशरूम की खेती पर 3 अंक आवंटित किए गए हैं जिन पर 3 विकल्प होंगे और अलंकृत बागवानी पर 3 अंक आवंटित है जिन पर 3 विकल्प यहाँ पूछे जाएंगे। जिनमें सिर्फ विकल्प पूछे जा रहे हैं इस पर आपको विकल्प की ही तैयारी करनी होगी। हरियाली पर 3 अंक आवंटित है जिस पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 अंक का। पौध प्रसारण की विधियों पर 4 अंक आवंटित है जिस पर 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। फसलों की खेती भाग 1 पर 5 अंक आवंटित है जिस पर 3 विकल्प और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फलों की खेती पर 2 अंक आवंटित है जिस 5 अंक आवंटित है जिस पर 2 अंक का एक क्वेश्चन और 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अध्याय 15 की मैं बात करूं तो औषधि पौधे की उत्पादन तकनीक पर 3 अंक आवंटित है जिस पर 3 विकल्प पूछे जाएंगे और व्यावसायिक फसलों की खेती पर 3 अंक आवंटित है जिस पर 3 विकल्प होंगे। फसल
फल परिरक्षण तकनीक पर 4 अंक का आवंटित है जो 2 विकल्प और 2 अंक का एक क्वेश्चन के रूप में होगा। परिरक्षित उत्पाद एवं उनका विपणन पर 5 अंक आवंटित किए गए हैं जिनका एक क्वेश्चन यहां बनता है। भू सर्वेक्षण पर 3 अंक आवंटित है जो 3 विकल्प यहां से पूछ लिए जाएंगे। तो कुल यहाँ 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 70 अंकों के होंगे। आगे जो हमारा अगला पुस्तक जो है हमारी उसकी बात करेंगे। यहाँ पे रिड्यूस्ड भी किया गया है कुछ पाठ्यक्रम, उसको हमने पहले वीडियो के रूप में आपको बता दिया था। अब देखिए, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन कृषि संकाय में दिया गया है, पूर्णांक होंगे टोटल 70। और इसमें आवंटन कैसे किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। तो आहार एवं पोषण भाग एक पर 4 अंक है जिन पर 1 विकल्प और 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा। आहार एवं पोषण सेकंड पर 4 अंक आवंटित है जिस पर 1 अंक होंगे विकल्प के रूप में और 3 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार हम अगला यहाँ पे अध्याय लेते हैं, पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण पर 6 अंक आवंटित किए गए जिन पर 2 विकल्प होंगे और 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा। पशुओं के सामान्य रोग भाग एक पर 4 अंक हैं जिन पर 2 विकल्प और 2 अंक का एक क्वेश्चन। पशुओं के सामान्य रोग 2 पर 4 अंक आवंटित है जिस पर 2 विकल्प और 1 क्वेश्चन 2 अंक का। पशुओं की जांच पर 5 अंक जिसमें 2 विकल्प और 3 अंक का एक क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा। मत्स्य पालन प्रबंधन प्रबंध पर 2 अंक है जिसपे 1 क्वेश्चन 2 अंक का पूछा जाएगा। बकरी पालन पर 5 अंक आवंटित है जिस पर 3 यहां पर विकल्प पूछे जाएंगे और 1 नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। डेयरी उत्पादन भाग एक पर 4 अंक है जिस पर 2 विकल्प और 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन भाग 2 पर भी 4 अंक है जिस पर 2 विकल्प और 1 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं, संघनित डेयरी उत्पादन पर 5 अंक हैं जिन पर 3 विकल्प और 2 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। मुर्गी पालन पर 5 अंक आवंटित है जिसके लिए 1 क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा। मुर्गी पालन पर मुर्गियों हेतु गृह व्यवस्था की बात करें हम, तो यहां देखिए आप 5 अंक आवंटित किए गए हैं जिन पर 3 विकल्प पूछे जाएंगे आपसे और 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुक्कुट आहार व्यवस्था पर 5 अंक आवंटित है जिस पर 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 अंकों का। कुक्कुट रोग फर्स्ट 3 अंक इस पे आवंटित है जिस पर 3 विकल्प पूछे जाएंगे और कुक्कुट रोग 2 पर 5 अंक आवंटित है जिस पर 2 विकल्प पूछे जाएंगे और 2 अंकों का 3 अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो कुल 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 20 यानी 15 प्रश्न और 5 विकल्प के रूप में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हम यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।